बता दें आपको, हर साल 11 जुलाई यानी कि कल के दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने की वजह यही है कि दुनिया भर में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता को फैलाना। इस दिन कई जगहों पर जागरूकता कैंप्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों को परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और मातृत्व यानी कि माँ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है और उन्हें जागरूक किया जाता है। लोगों को इस आयोजन में जनसंख्या वृद्धि की वजह से होने वाले खतरे के प्रति लोगों को आगाह किया जाता है। बता दें आपको, 1989 से ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। बताएं तो इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम के तहत हुई थी और इसके बाद सारे देशों में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाने लगा। विश्व जनसंख्या दिवस के दिन बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। पिछले साल विश्व जनसंख्या दिवस की थीम परिवार नियोजन थी। तेजी से जनसंख्या की वृद्धि कई वजहों से समाज और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बता दें, देश में बाल विवाह गैरकानूनी होने के बावजूद भी कई पिछड़े इलाकों में आज भी बाल विवाह की परंपरा है। इसकी वजह से कम उम्र में ही महिलाएं मां बन जाती हैं, जो कि बच्चे और मां दोनों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। रूढ़िवादी समाज में आज भी लड़के की चाह में पुरुष परिवार नियोजन अपनाने को तैयार नहीं होते। कई बार महिलाओं पर लड़का पैदा करने का दबाव ज्यादा होता है और इसकी वजह से कई महिलाओं को मार भी दिया जाता है। इसके अलावा लड़कियों को शादी से पहले गर्भ निरोधक के उपाय संबंधी जानकारी दी जाती है। दरअसल जनसंख्या बढ़ने के कई वजहों में से गरीबी और अशिक्षा भी है। अशिक्षा की वजह से लोग परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझ पाते, जिस वजह से जनसंख्या में वृद्धि होती है और देश में जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी भी अधिक बढ़ रही है। इसलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और उन्हें समझाया जा सके, हम दो, हमारे दो और बच्चे दो ही अच्छे। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की रिपोर्ट।